आगरा के छत्ता थाना इलाके में हुई 12 दिसंबर को अजय नाम के युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका चचेरा भाई ही निकला। दरअसल मृतक अजय का चचेरा भाई विजय तोमर जीवनी मंडी इलाके में अपनी पत्नी प्रेमलता के साथ रहता था। उसी इलाके में अजय पल्लेदारी का कार्य करता था। शाम को अजय अपने चचेरे भाई विजय के घर आकर उसकी पत्नी प्रेमलता से बात करता था। इसकी भनक विजय को पड़ गई, जिसे विजय पाल ने रोकने का प्रयास किया। इस बात को लेकर 12 दिसंबर की रात को विजय ने अपनी पत्नी प्रेमलता से फोन कराकर अजय को घर बुलाया और उसकी बांके से काटकर हत्या कर दी। उसी रात विजय और उसकी पत्नी प्रेमलता ने लाश को थाना एतमादपुर इलाके के छलेसर के जंगल में फेंक दिया था। जब मृतक अजय की तलाश की गई तो पुलिस का शक विजय और उसकी पत्नी पर ही गया, जिसके बाद पत्नी के फोन की कॉल डिटेल निकलवाई, जिससे पूरा मामला साफ हो गया। विजय ने पूरी घटना कबूल कर ली है। फिलहाल विजय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन प्रेमलता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। 14 तारीख की रात राम अवतार सिंह तोमर नाम के एक व्यक्ति ने थाना छत्ता पे अपने पुत्र अजय तोमर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और कहा था कि 12 दिसंबर से उनका बेटा जो है वो गुमशुदा है। तो गुमशुदगी का संज्ञान लेते हुए, इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए हमने एक टीम गठित की गई थी सीमन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार, और उस घटना के क्रम में पूछताछ करने के बाद ये पता चला था कि जो व्यक्ति है अजय, इसके अपने एक भाई है विजय, उसकी बहन, उसकी जो मिसेस है श्रीमती, उनके साथ उसका कोई अफेयर है। पूछताछ करने के बाद जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया विजय को, तो पता चला कि उसने उसकी मारकर हत्या की थी। दोनों ने, पति पत्नी विजय और उसकी पत्नी प्रेमलता, दोनों ने उसको अपने मोटरसाइकिल के बीचों बीच रख के उसको दूर जाके एतमादपुर जाके फेंक दिया उसके शव को बोरे में डाल के। तो जब पूछताछ की गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और वो शव को बरामद किया गया, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया।